मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रीड करेंगे वेरी शॉर्ट एंड स्मार्ट पैराग्राफ ऑन अट्रैक्शंस ऑफ दिल्ली, कि दिल्ली में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं एंड वो क्या चीज़ें हैं दिल्ली में जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं, क्यों लोग दिल्ली में रहना चाहते हैं, दिल्ली में विजिट करना चाहते हैं, दिल्ली में घूमना चाहते हैं। आफ्टर ऑल दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो क्यों नहीं जानना चाहेगा हर कोई दिल्ली के बारे में। वैसे मैं तो दिल्ली में रहती भी हूँ एंड जो लोग नहीं रहते हैं उनको भी ऐसे टीचर्स बोल सकती हैं कि दिल्ली के बारे में कुछ लाइंस लिखो, क्योंकि दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। आइए इसको रीड करते हैं। आई लिव इन दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। सो क्या इसका मीनिंग है? मैं दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली क्या है? कैपिटल ऑफ इंडिया। ये बताना तो बहुत ज़रूरी है दिल्ली के बारे में। इट इज़ द सीट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। ये इंडियन गवर्नमेंट की सीट है। द फेट ऑफ द कंट्री इज डिसाइडेड हेयर इन द पार्लियामेंट हाउस। और कंट्री की फेट कहाँ पर डिसाइडेड होती है? पार्लियामेंट हाउस में। और पार्लियामेंट हाउस कहाँ है? दिल्ली में। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है सबको। अगेन इसको रीड कर लेते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगी आपको कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। यह मेरी रिक्वेस्ट समझ लीजिए या कुछ भी, लेकिन आप लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं भी जैसे ही आप लोग बोलते हैं कि मैम हमें इस टॉपिक पे पैराग्राफ चाहिए या फिर मैथमेटिक्स के वीडियो चाहिए, मैं भी मैक्सिमम आपके रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, आइए इसको रीड करें। आई लिव इन दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। इट इज़ द सीट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। द फेट ऑफ द कंट्री इज डिसाइडेड हेयर इन द पार्लियामेंट हाउस। दिल्ली इज एन हिस्टोरिकल सिटी। दिल्ली एक हिस्टोरिकल सिटी है। हिस्टोरिकल सिटी मीन्स दिल्ली इज एन हिस्टोरिकल सिटी। तो दिल्ली क्या है? हिस्टोरिकल सिटी है। वो सिटी जहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं उसको जनरली हिस्टोरिकल सिटी कहा जाता है। इट हैज सीन द राइज एंड फॉल ऑफ मैनी किंगडम्स। यहाँ पे बहुत सारे किंगडम्स के राइज हुए और फॉल भी हुए। किंगडम्स दैट मीन्स राज्य, साम्राज्य, सभ्यता। Each of its ancient monuments has its history to tell. हर एक के ancient monuments जो हैं वो दिल्ली में हैं और जो उनकी history के बारे में हमें बताते हैं। The Red Fort and the Jama Masjid remind us of Mughals' love for buildings. और कौन सी buildings हैं यहाँ पे? Red Fort है, Jama Masjid है, जो हमें याद दिलाती हैं कि Mughals को building से कितना प्यार था। The पुराना किला is the sign of ancient Hindu greatness. पुराना किला जो है हमें याद दिलाता है कि ancient में हिंदू, पुराने ज़माने में हिंदू कितने great थे, कितनी उनकी greatness थी। The Qutub Minar remind us of the slave kings. Qutub Minar हमें याद दिलाता है उन kings की जो कि slave थे। okay? Amongst its modern buildings are the parliament house. और इन सब के अलावा इनकी मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं जिसमें कि पार्लियामेंट हाउस आता है, द पार्लियामेंट हाउस। एंड नेक्स्ट है राष्ट्रपति भवन, द आकाशवाणी भवन, द उद्योग भवन, द विज्ञान भवन, विकास भवन एंड द रेल भवन एट्सेट्रा। ओके, ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं दिल्ली में जो कि मॉडर्न हैं। इसको दोबारा से रीड कर लेते हैं। दिल्ली इज एन हिस्टोरिकल सिटी। It has seen the rise and fall of many kingdoms. Each of its ancient monuments has its history to tell. The Red Fort and the Jama Masjid remind us of Mughals' love for buildings. The Purana Kila is the sign of ancient Hindu greatness. The Qutub Minar reminds us of the slave kings. Amongst its modern buildings are the Parliament House, the Rashtrapati Bhavan, the Akashvani Bhavan, the Udyog Bhavan, the Vigyan Bhavan, Vikas Bhavan and the Rail Bhavan etc. Okay, the capital city is perhaps the biggest trade center of the north. और जो यहाँ पे हैं इसके north में बहुत सारे जो हैं अच्छे trade center हैं, जैसे कि चांदनी चौक, सदर बाजार, आसफ अली रोड, अजमल खान रोड एंड कैनॉट प्लेस आर सम ऑफ इट्स इम्पॉर्टेंट बिजनेस।
centers. Business worth crores of rupees is done in these markets every day. हर दिन इन मार्केट्स में करोड़ों की डील की जाती है. आइए इसको दोबारा से रीड कर लें. द कैपिटल सिटी इज परहैप्स द बिगेस्ट ट्रेड सेंटर ऑफ द नॉर्थ. चांदनी चौक, सदर बाजार, असफ अली रोड, अजमल खान रोड एंड कैनॉट प्लेस आर सम ऑफ इट्स इम्पॉर्टेंट बिजनेस सेंटर्स. बिजनेस वर्थ करोर्स ऑफ रुपीज इज डन इन दीज मार्केट्स एवरी डे. इन दिल्ली देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट. अब इन सब चीज़ों के साथ साथ दिल्ली में एंटरटेनमेंट के सोर्सेज भी कम नहीं हैं. इट हैज़ मैनी एयर कंडीशन्ड रेस्टोरेंट्स. दिल्ली में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो एयर कंडीशन हैं. इट हैज़ ओवर 60 सिनेमा हॉल्स एंड ए फ्यू थिएटर्स. इसमें 60 से ज़्यादा, अब तो और भी ज़्यादा हो गए हैं, और कुछ थिएटर्स और सिनेमा हॉल हैं यहाँ पर. इट हैज़ मैनी ब्यूटिफुल गार्डन्स. बहुत ब्यूटिफुल गार्डन्स हैं यहाँ पर. देयर इज़ द नेशनल म्यूजियम. यहाँ पर नेशनल म्यूजियम है. देयर इज़ ए जू ऑल्सो. और इन सब के साथ साथ यहाँ पर जू भी है, यानी कि चिड़ियाघर. अगेन इसको रीड करते हैं. इन दिल्ली देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट. इट हैज़ मैनी एयर कंडीशनड रेस्टोरेंट्स. इट हैज़ ओवर 60 सिनेमास हॉल्स. इट हैज़ ओवर 60 सिनेमा हॉल्स एंड ए फ्यू थिएटर्स. इट हैज़ मैनी ब्यूटिफुल गार्डन्स. देयर इज़ द नेशनल म्यूजियम. देयर इज़ ए जू ऑल्सो. रिसेंटली दिल्ली हैज़ बिकम अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग. इट हैज़ 3 यूनिवर्सिटीज़. तो इसके यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं और 3 हैं. इट हैज़ मैनी कॉलेजेस एंड स्कूल्स. यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज और स्कूल्स हैं. देयर आर ए फ्यू मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑल्सो. यहाँ पर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं. तो दिल्ली क्या बन गई है? ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग. लर्न का ग्रेट सेंटर, शिक्षा हासिल करने का, शिक्षा प्राप्त करने का ग्रेट सेंटर. प्लीज़ गाइज, प्लीज़ बच्चों, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना. रिसेंटली दिल्ली हैज़ बिकम अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग. इट हैज़ 3 यूनिवर्सिटीज. इट हैज़ मैनी कॉलेजेस एंड स्कूल्स. देयर आर अ फ्यू मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑल्सो. ओके, तो कैसा लगा ये पैराग्राफ? लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इससे मुझे मिलती है किक जल्दी से बनाने के लिए न्यू वीडियो. ओके, अब इसको दोबारा से रीड करेंगे. आप भी मेरे साथ रीड करो ताकि आपकी रीडिंग भी स्ट्रांग हो जाए और आपको दोबारा से समझ भी आ जाए. आइए इसको रीड करें दोबारा से. अट्रैक्शंस ऑफ दिल्ली. आई लिव इन दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया. इट इज़ द सीट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट. द फेट ऑफ द कंट्री इज डिसाइडेड हेयर इन द पार्लियामेंट हाउस. Delhi is an historical city. It has seen the rise and fall of many kingdoms. Each of its ancient monuments has its history to tell. The Red Fort and the Jama Masjid remind us of Mughals' love for buildings. The Purana Qila is the sign of ancient Hindu greatness. The Qutub Minar reminds us of the slave kings. Amongst its modern buildings are the Parliament House, the Rashtrapati Bhavan, the Akashvani Bhavan, the Udyog Bhavan, the Vigyan Bhavan. मैं विकास भवन के आगे दा लगाना भूल गई, लेकिन आप लोग लगा लेना, मैं भी लिख देती हूँ. रुको, वेट करो, मैंने लिख दिया है द विकास भवन एंड द रेल भवन एटसेट्रा. ओके, द कैपिटल सिटी इज परहैप्स द बिगेस्ट ट्रेड सेंटर ऑफ द नॉर्थ. चांदनी चौक, सदर बाजार, असफ अली रोड, अजमल खान रोड एंड कैनॉट प्लेस आर सम ऑफ इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस सेंटर्स. बिजनेस वर्थ क्रोर्स ऑफ रुपीज इज डन इन दीज मार्केट्स एवरी डे. कैसा लग रहा है मेरा पैराग्राफ? अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना. और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो किस बात का वेट कर रहे हो? सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो. सबसे पहले अच्छी अच्छी वीडियोज़, नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी. ओके,
In Delhi, there are many sources of entertainment. It has many air-conditioned restaurants. It has over 60 cinema halls and a few theaters. It has many beautiful gardens. There is the National Museum. यहाँ पे दो दी मैंने दो बार लिख दिया, आप एक बार ये लिखना. There is a zoo also. Recently, Delhi has become a great center of learning. It has 3 universities. It has many colleges and schools. There are few medical and engineering colleges also. Okay, and thank you so much for watching this video. I'm damn sure you like this. And हमारी 1 lakh से ऊपर की फैमिली है, सबको थैंक यू सो मच. एंड प्लीज हैव अ गुड डे एंड टेक केयर. ओके, बाय.